हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं खुशबू राज सिंह आपको अपना ब्लॉग वीडियो में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, गाना गा रही है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोल रहे हैं। मेरा तबीयत पिछले कुछ 8-10 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब था और अभी मैं ठीक हो गई हूँ। इसके वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी जो मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, और फेसबुक पे रील भी बनाती हूँ जो मैं नहीं बना रही थी। अभी लगभग रात के 10:30 बज रहे होंगे, मैं टाइम नहीं देखी हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ, 10:30 या 9:30 ऐसा ही कुछ हो रहा है। मेरे हस्बैंड सो गए हैं और मेरा बच्चा लोग भी सो गया है। मेरा 2 बच्चा है, एक 2.5 साल का है और एक 7 महीने का है। मैं गाना गाना नहीं चाहती थी, वो मुझे बचपन से बहुत सिंगिंग करने का शौक़ था, जो गांव के लोग क्या कहेंगे, और फिर बहुत कुछ सोच के मैं नहीं कुछ की। उसके बाद मेरा शादी हो गया और मैं शादी से पहले ही अपने हस्बैंड से बात करती थी, तो एक बार बोली थी कि मैं सिंगर बनना चाहती थी, तो बोले कि इसमें कौन सा बुरा बात है। तो उसके बाद फिर हम लोग का शादी उदी हुआ। उसके बाद फिर मेरा पहला बेटा आया। उसके बाद हम कुछ नहीं सोच रहे थे, क्योंकि बच्चा आने के बाद फिर बच्चे में मेरा भी मन लग गया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का जॉब हो गया, जब मेरा बच्चा 5 महीने का था तो मेरे हस्बैंड जॉब करने लगे, और फिर मेरे हस्बैंड दूसरे जगह चले गए। मैं अकेले रहती थी, मेरा मन भी नहीं लगता था, तो मैं सोचती थी कि मैं कुछ तो करूं ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाए। दोस्तों, इस जीवन में खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जब तक लोग कमाएंगे नहीं तब तक खाना नहीं मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड तो अपना ड्यूटी करते थे और मैं घर पे रहती थी, तो घर पे कितना काम होता है, सुबह शाम जो भी खाना पीना बनाना। उसके बाद बच्चा था, फिर भी मन नहीं लगता था। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा भी आ गया। उसके बाद मुझे लगा कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, अपना जीवन झूठ मूठ कैसे ही काट रही हूँ, कुछ तो करना चाहिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले, मैं एक दिन बात कर रही थी फ़ोन पे, तो बोले कि क्या हो रहा है, तो मैं बोली कुछ नहीं, ऐसे ही मन नहीं लग रहा है, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो, मतलब जीवन तो बीत रहा है लेकिन क्या फ़ायदा ऐसा जीवन का जो ऐसे ही बीत जाए। तो बोले कि क्या मैं तुमको कोई कष्ट दे रहा हूँ? तो मैं बोली कि नहीं, आप तो कष्ट नहीं दे रहे हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसे ही बैठ के खाना, आपसे किसी चीज़ के लिए पैसा लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बोले कि चलो ठीक है, तुम क्या करना चाहती हो बताओ, कुछ तो बताओगे तभी तो कुछ करेंगे। तो मैं बोली कि मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही पता नहीं, वो YouTube पे कुछ गाना गाते थे, डालते थे, तो उसके बाद मुझे, मैं जब वो गाँव आए तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं बोली कि चलिए, आप तो ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक दिन हम दोनों मिलके एक गाना लिख दिए। दोस्तों, हम लोग दोनों लोग गाना लिखते हैं और दोनों लोग गाते भी हैं, तो ऐसे लिख दिए। उसके बाद मैं जब आ गई अपने हस्बैंड के पास, वो जहाँ रहते हैं, फिर हम लोग यहाँ आ गए, तो उसके बाद फिर स्टूडियो में गए एक दिन घूमते घूमते।
उसके बाद जो गाना हम लोग लिखे थे तो ऐसे ही हंसी में रिकॉर्डिंग करवा दिए। जो गाना आप लोग को चांद कोको कोला चैनल पर देखने के मिल जाएगा, आप लोग चांद कोको कोला चैनल पर जाके उस गाने को देख सकते हैं दोस्तों। वो गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे गाने का कुछ आइडिया नहीं था। जब मैं गई स्टूडियो में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बार स्टूडियो में जाने के बाद दोस्तों आप भी जाइएगा तो आप लोग को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। क्योंकि माइक पे जाने को ऐसे आवाज़ कुछ और होता है, और जब माइक में गाएंगे तो कुछ और ही आवाज़ होता है। उसके बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि करे तो क्या करे आखिर। उसके बाद जो भी हुआ, जो भी है, वो गाना है, उस पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसको तो बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, खुद मैं भी सुन के उसको मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ये क्या है। मैं बोल रही थी कि उसको रिलीज मत होने दीजिए, लेकिन वो स्टूडियो वाला भैया जो है ना, वो नहीं माने, बोले कि डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अभी मेरे पास बहुत सारा गाना है, पड़ा हुआ है, हम लोग लिखे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के, और उसके बाद रिलीज भी हुआ है। दो तीन गाना या चार गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा है। सब गाने चांद कोको कोला चैनल पर है, आप लोग जाके देखिए, उसे लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि क्या क्या गलती हो रहा है मुझसे। क्योंकि शुरू में तो कोई भी काम करने पर समय लगता है, कोई भी काम करने में मेहनत लगता है, बिन मेहनत के कुछ नहीं होता है। एक घर भी बनाते हैं तो एक ईंट रख देने से घर नहीं बन जाता है। ठीक उसी तरह मैं मेहनत कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, और आप लोग को तो पता है कि मेरे पास दो दो बच्चा है, दोनों को संभालना पड़ता है, दोनों को संभालते हुए और अकेले, वो भी घर से अलग रह के दो दो बच्चा संभाल कर। और आपको जैसे कि मैं बताई हूँ कि एक बच्चा मेरा 7 महीने का है और बड़ा वाला 2.5 साल के, तो दोनों को संभालना पड़ता है, ये जो कि बहुत मुश्किल है। और दोनों को संभालते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी दोनों सोया हुआ था तो मैं सोची कि आज मैं ब्लॉग वीडियो बना के ही रहूँगी, चाहे जो भी हो, क्योंकि इससे मुझे आप लोगों तक ये बात मेरा पहुँचेगा, और जो आप लोग कहेंगे दोस्तों वही मैं करूँगी। आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या करूँ, और जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, आप लोग भी कुछ बोल दीजिए, अच्छा ना सही बुराई बोलिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि गलत। और अब मैं बंद करूँगी वीडियो, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। जो मुझे गलती हुआ होगा, जो मुझसे, वो माफ़ कर दीजिएगा। राधे राधे।